जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस। इस बार किसकी नया पार लगाएंगे मराठी वोटर। राजस्थान चुनावी जब्ती 1106 करोड़ के पार। पुणे और छत्रपति संभाजी नगर को EVM ने किया परेशान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इस बार किसकी नया पार लगाएंगे मराठी वोटर। उत्तर मुंबई में भाजपा बनाम कांग्रेस के साथ साथ भूमिपुत्र बनाम बाहरी मराठी बनाम गुजराती के मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं। प्रारंभ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने प्रचार अभियान में पूरा जोर, मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर भारत के बढ़ते कदम जैसे मुद्दों पर था। लेकिन जब स्थानीय मराठी बनाम गुजराती के मुद्दे को हवा दी गई तो लोकसभा सीट का माहौल अचानक बदल गया। कांग्रेस के भूषण पाटिल ने अपने स्थानीय होने के मुद्दे को प्रचार के केंद्र में रखा है। उन्होंने उद्धव गुट की मदद से निर्वाचन क्षेत्र में घूम घूम कर कभी एक तरफा माने जा रहे मुकाबले को टक्कर पर लाकर खड़ा कर दिया। गोयल विरोधियों पर आक्रमण टिप्पणी नहीं करते, इसके विपरीत वह सोशल मीडिया प्रभावी उपयोग कर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि भूषण पाटिल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और पार्टी के समर्थन वाले गीत, कांग्रेस के रील्स, शॉर्ट्स तथा विज्ञापन साझा कर रहे हैं। आई बढ़ते अगली खबर की। राजस्थान चुनावी जब्ती 1106 करोड़ के पार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अलग अलग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अब तक ड्रग्स, नशीली दवा और शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं और नकद राशि के रूप में 1106 करोड़ रुपए की कीमत से अधिक की जब्तियां की है। यह कार्यवाही 1 मार्च से लेकर अब तक की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन अलग अलग एजेंसियां सूबे में कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन विभाग के निर्देश पर 16 मार्च से लेकर अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वही प्रदेश के 9 जिलों में 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी आदि जब्त की गई है। आई बढ़ते अगली खबर की। पुणे और छत्रपति संभाजी नगर को EVM ने किया परेशान। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में EVM बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा VVPAT में आई तकनीकी गड़बड़ी के चलते इसे बदलने के सर्वाधिक मामले पुणे और छत्रपति संभाजी नगर में सामने आए हैं। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों में जलगांव तथा रावेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम तकनीकी समस्या का सामना स्थानीय प्रशासन को करना पड़ा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।